हेलो गाइस, अगर आप भी अपने एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्यों गाइस, आज से मैं एक वर्डप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस में एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। तो गाइस, इस सीरीज को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा। तो गाइस, वेबसाइट ये है, ये एक पेड थीम है, पेड थीम में ये बनी है, बट मैं इजी वे में आपको बताऊंगी कैसे आप इसको फ्री में बना सकते हैं। तो हम इसमें एलिमेंटर का यूज करेंगे जो फ्री है, ठीक है, और भी कुछ फ्री प्लगइन हम इसमें यूज करेंगे। इसमें सब कंटेंट हम यहाँ से लेंगे, फोटोज कंटेंट कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है सब हम यहाँ से लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन सेम बने। तो ये गाइस देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर बैनर होने वाला है, फिर डाउनलोड सीवी का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए स्लाइडर यूज कर रहा है सर्विसेज के लिए। यहाँ पर वाई चूज मी माय एक्सपीरियंस एरिया, तो ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे यूज कर रखे हैं। और यहाँ पर देखिए फिल्टर्स हैं प्रोजेक्ट के लिए, जो आपने काम किया है यहाँ पर आप इसको शो करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनके टेस्टिमोनियल आएंगे, ये भी स्लाइडर हम बनाएंगे, और ये फ्रॉम माई ब्लॉग, और लास्ट में है कॉन्टैक्ट, ठीक है, ताकि कोई भी यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विस सेक्शन पे ये स्क्रॉल हो रहा है, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग पे स्क्रॉल हो जाएगा ये, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन पर ये स्क्रॉल हो जाएगा। तो गाइस, इसी वेबसाइट के डिजाइन को कॉपी करके हम फ्री में एक न्यू पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। तो गाइस, इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डोमेन एंड होस्टिंग। तो डोमेन होस्टिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग लेना आपको नहीं बताऊंगा, एक आइडिया दे दूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से डोमेन है एंड होस्टिंग है, एंड मैं एक सब डोमेन में इस वेबसाइट को क्रिएट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि जो डोमेन है उसमें ऑलरेडी एक वेबसाइट रन हो रही है। ओनली मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये वेबसाइट मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करना बहुत ही सिंपल है, जैसे होस्टिंग कर, ठीक है। यहाँ देखिए एवरीथिंग यू नीड क्रिएट अ वेबसाइट, अप टू 75% ऑफ फ्री डोमेन है, फ्री वेब माइग्रेशन है, ठीक है। तो फ्री डोमेन वाला आपको लेनी है होस्टिंग, जिसमें आपको डोमेन भी मिल जाए 149 पर मंथ। तो ये देखिए ये फ्री डोमेन एस्टिमेट, इससे कोई सस्ता मिलता है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और सिंगल वेबसाइट हो चलेगा। अगर आपको ज़्यादा वेबसाइट के लिए होस्टिंग चाहिए तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, लेना सिंपल ऐड टू कार्ट करना है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो ये आप 149 पर मंथ वाला आप ले सकते हो, ठीक है, फ्री डोमेन फॉर वन ईयर। वन ईयर के लिए आपको फ्री डोमेन मिल रहा है। तो ओनली आपको पेमेंट करना है, पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे हैं। और गाइस, ये होस्टिंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से डोमेन एंड होस्टिंग परचेस की है, ठीक है। और गाइस, इसमें मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूँगा और उसमें मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ एंड सब डोमेन वहाँ हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए हाय अंकित, ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। और गाइस, ये बिजनेस होस्टिंग है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी वेबसाइट है। तो जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पर मैनेज करूँगा, ठीक है, मैनेज में क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है, ये आप यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है learntosmart.in, ठीक है, एंड यहाँ से आप फाइल मैनेज कर सकते हैं। तो जितने भी फाइल्स होती हैं, जो भी फाइल्स होती हैं वो होस्टिंग में पब्लिक HTML के अंदर होस्टिंगर में या अदर cPanel हो या अदर होस्टिंग है उसमें भी सेम ही रहता है, किसी किसी का रहता है डिफरेंट बस। तो इसमें सभी फाइल हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं। एंड अब हम यहाँ हम क्रिएट करेंगे सब डोमेन, सब डोमेन क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर पोर्टफोलियो, ठीक है, portfolio.learntosmart.in एक सब डोमेन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम पब्लिक HTML के अंदर पोर्टफोलियो नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये है पब्लिक HTML एंड इसके अंदर एक पोर्टफोलियो नाम का फोल्डर आएगा, अभी अभी है नहीं, अब आएगा, ठीक है। तो जैसे क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सब डोमेन एंड वहाँ पर पोर्टफोलियो। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ पीछे गया एंड ये आ गया पोर्टफोलियो नाम से फोल्डर, ठीक है, एंड यहाँ पर सब डोमेन ये है। अभी हम इसको अगर ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें अभी
क्योंकि जो ये हमने नेम यहाँ पर सब डोमेन यूज़ किया है, ठीक है, इसको हमें वेबसाइट की आईपी से कनेक्ट करना है। क्योंकि गाइस मैंने क्लाउडफ्लेयर में वेबसाइट सबमिट कर रखी है, तो इसलिए मैं क्लाउडफ्लेयर में इसको कनेक्ट करूँगा डोमेन की आईपी से, ठीक है। और क्लाउडफ्लेयर में वेबसाइट कैसे सबमिट करते हैं ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, ठीक है, ठीक है, बाद में भी आप कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, डीएनएस में मैं गया, डीएनएस रिकॉर्ड में जाना है एंड ए नेम में जो आपका सब डोमेन का नाम एंड वेबसाइट की आईपी, ठीक है। तो ये सेव करना है, सेव हो गया एंड जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंगर का पेज है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पोर्टफोलियो के अंदर ये पेज है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरबिडन आ जाएगा, ठीक है, क्यों, फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे गाइस, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस में गया, ओवरव्यू, ये हर होस्टिंग में आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा गाइस, ठीक है। इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, तो इंस्टॉल में मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको अगर आपकी बहुत सारी वेबसाइट है तो आपको ये देख के करना हो तो ये मेरे पर्सनल साइट पर ना फोटो लूँ, ठीक है, एंड ये जो मेरे पर्सनल एड्रेस वो यहाँ पर लिखा मैं, ठीक है, पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है। और गाइस सिक्योरिटी रीजन से आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, कम से कम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैं अभी सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरी डेमो वेबसाइट है गाइस, ठीक है, ये आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी पर्सनल या किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं तो कोशिश ही कीजिए स्ट्रांग रखिए। केयरफुल रहने के लिए क्यों कह रहा था गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डोमेन बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रख के धीरे धीरे यहाँ पर आपको ये करना है, ताकि हम सेम जो वेबसाइट है किसी अदर वेबसाइट में ये इंस्टॉल ना करें, ठीक है। तो पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो मैंने ये सेलेक्ट किया एंड यहाँ से डेटाबेस क्रिएट न्यू डेटाबेस, ठीक है, आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और नहीं भी ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा अगर नहीं क्रिएट करोगे, एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए यहाँ से आप वेबसाइट में जा सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लोड हो जाएगा एंड देखिए आगे वेबसाइट portfolio.learnsmart.in, तो ये सब डोमेन क्रिएट हो गया एंड वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो गया वन क्लिक में, ठीक है। इस तरीके से वन क्लिक में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे, ठीक है, जिनको सेटअप करना गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलते हैं डब्ल्यूपी एडमिन, ठीक है, एडमिन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, एंड ये, ठीक है। तो ये मैंने यूज़र नेम पासवर्ड ऐड किया, ठीक है। तो ये देखिए वेलकम टू वर्डप्रेस, सबसे पहले आपको देखना है प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स आप पे यहाँ पर बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो इन सभी को हमको डिलीट करना है यहाँ से। तो यहाँ देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया एंड डीएक्टिवेट, फर्स्ट डीएक्टिवेट करना है एंड फिर उसके बाद सभी को यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। ये हो गया डिलीट एंड यहाँ से थीम्स में देखते हैं कौन कौन सी थीम है। ये सभी थीम है, इस थीम का हम यूज़ करेंगे नहीं, 2023 है, हम करेंगे यूज़ एस्ट्रा थीम का। एस्ट्रा थीम हम इसमें यूज़ करेंगे, तो एस्ट्रा यहाँ पे है इंस्टॉल एक्टिवेट, ठीक है, थीम हमने इंस्टॉल कर दी। एंड अब हम यहाँ पर पेजेस में जाएंगे, पेजेस में ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी ट्रैश में ऐड कर देते हैं। एक यहाँ पे पेज क्रिएट करते हैं जो हमारा मेन पेज होगा, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, होम रख सकते हैं या, ठीक है, मैं माय पोर्टफोलियो रखता हूँ, माय पोर्टफोलियो,
पब्लिश किया। ठीक है, अब देखिए व्यू करते हैं। ठीक है, तो ये पेज यहाँ पर आ गया, एंड ये वेबसाइट का नाम, ये पेज का नाम। फिर हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में गए, अब सेटिंग में जाना आपको, रीडिंग में। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करना है होम पेज। तो होम पेज क्या हमारा माय पोर्टफोलियो। अब हम यहाँ से परमालिंक सेट करेंगे। तो यहाँ से जो सिंपली यहाँ पर पोस्ट नेम रखेंगे एंड सेव कर देंगे। अब हमें मेन जो प्लगइन चाहिए, एलिमेंटर चाहिए, तो हमें यहाँ गैस एलिमेंटर चाहिए। एलिमेंटर में हम यहाँ पर वेबसाइट बनाएंगे इंस्टॉल। ये हमने एक्टिवेट कर, एक और प्लगइन चाहिए गाइस, एक और प्लगइन है इजेंशियल डॉन फॉर एलिमेंटर, एक ये चाहिए हमें। एक्टिवेट कर दिया, तो इसको थोड़ा सेटअप करना होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं चाहिए हमें, डब्ल्यूपी फॉर्म चाहिए यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे हमें जो जो हमें चाहिए था वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस, नो थैंक्स। बस ये दो प्लगइन होगी, और एक फॉर्म का चाहिए होगी जो डब्ल्यूपी फॉर्म है, जिससे हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म बनेगा, डब्ल्यूपी फॉर्म, डब्ल्यूपी फॉर्म। ये भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है प्लगइन्स की, तो हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हेडर फुटर बिल्डर हमें चाहिए अभी। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है जो हमें ज़रूर करनी होती हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद। इसमें हेडर एंड फुटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी बता देता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एक हेडर फुटर बिल्डर प्लगइन। तो हेडर फुटर बिल्डर हम यूज करेंगे एक प्लगइन। प्लगइन इसमें पहले से इंस्टॉल करा है मैंने। ठीक है, तो ये है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। ठीक है, एंड गाइस ये मेन्यूज भी मैंने पहले से क्रिएट करके यहाँ पर, यहाँ से मेन्यू से, ये सिंपल गाइस, ये कस्टम लिंक्स मैंने यहाँ से क्रिएट करे हैं, यहाँ पर यूआरएल एंड यहाँ पर नेम। तो ये है, तो ये मेन्यूज मैंने क्रिएट करके रखे हैं, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू क्रिएट करना वैसे सिंपल है गाइस, यहाँ पे जैसे ये लिंक अभी मेरे पास कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे दे और ऐड। ठीक है, ये ऐड हो गया। उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक करना है, बस हो गया। एंड जो भी यहाँ कोई पेज ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। हेडर फुटर इंस्टॉल मैंने पहले से करा था, तो ये हेडर फुटर मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हैं गाइस। एक बार मैं फिर से आपको बनाकर दिखाऊंगा, एक बार डिज़ाइन में बता देता हूँ आपको पहले। ठीक है, रिस्टोर रिस्टोर किया एंड ड्राफ्ट में है, तो इनको पब्लिश करते हैं। पब्लिश 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 कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए हेडर फुटर यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है, उसको भी अनसेव करेंगे। तो फिर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, ट्रैश अप्लाई। ठीक है, अब हमारा ये सिंपल हो गया है दोबारा से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है, सिंपल है। यहाँ पर लिखिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं लिखता हूँ साइड हेडर, तो आप ओनली हेडर दे सकते हैं। टाइप ऑफ टेम्पलेट, तो क्या हेडर है, हेडर सेलेक्ट किया एंड डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट में चाहिए मेरे को, एंड ऑल यूजर रोल क्या है ऑल, पब्लिश किया एंड फिर एड इट विद एलिमेंटर। ठीक है, इसको एलिमेंटर बहुत सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। और ये देखिए सेक्शन है, ये लेफ्ट साइड में वेजेट्स मिल जाते हैं एलिमेंटर के, जो भी हमें चाहिए सिंपली यहाँ ड्रैग करना है। ठीक है, ये आ जाएगा, ये देखिए काउंट डाउन आ गया। तो टेक्स्ट चाहिए, हेडिंग चाहिए, फिर ये है, हम डिलीट भी कर सकते हैं। एंड ये टेक्स्ट है आ गया, और इसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे, क्लिक करना है। ठीक है, ये हम कुछ भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये राइट में नेविगेशन है, नेविगेशन कहाँ से आता है, ये इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर सेक्शन हो गया, ये टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर ये है।
ऊपर सेक्शन है, तो पूरे सेक्शन को हम ग्रिल करेंगे आज, ठीक है। और ये कॉपर पेस्ट भी होता है गाइस, जैसे ठीक है, जैसे ये सेक्शन है इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसमें कॉपी पेस्ट, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हेडर क्रिएट करना। मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, जिसमें सिंगल कॉलम है, ठीक है, ये सिंगल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम, इसको हम सेक्शन को कोलिवेट करते हैं और इसके अंदर एक हम यहाँ से ये गैप हटाते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर तो इनर सेक्शन हम इसमें लेंगे और इसको हम कोलिवेट नहीं करेंगे, बॉक्स रहने देंगे। इसमें दो कॉलम है, एक दो, ये मैं एक और कॉलम डुप्लीकेट करता हूँ, राइट क्लिक किया है डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं जो वेट देता हूँ 20, एक कॉलम वेट 20%, इसको भी 20%, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज इमेज चाहिए हमें, इमेज पहले से अपलोड कर रखी मैंने, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मेन्यू, तो यहाँ पर देखिए नैव सर्च करना है, तो नेविगेशन मेन्यू ये वाला है, तो ये पेड है, एलिमेंटर प्रो में मिलता है। सिंपल मेन्यू इस दिन से कटवाना हमने इंस्टॉल किया था उसका है, इन दोनों में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है गाइस, जो भी आप इसे देखते हैं। तो मैं ये ले रहा हूँ, थोड़ा डिजाइन करते हैं इसको, ये हम छुट्टी करेंगे उसमें, उसके अकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप पैडिंग मार्जिन पैडिंग देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग कितनी है और वर्टिकल पैडिंग कितनी है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सिंपल कलर पिक, ये एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं आप, तो कलर पिक करने के लिए क्रोम एक्सटेंशन है। तो कुछ कलर मैंने यहाँ पर पहले से कॉपी करके रखे हैं, तो यहाँ सिंपली यहाँ जाना है स्टाइल में एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कलर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आगे कलर, जो मेन्यू आइटम है उनका कलर है, उनका कलर यहाँ से आएगा। फॉन्ट फैमिली क्या गया, फॉन्ट फैमिली यहाँ है, पॉपिंस यूज कर देखिए उसमें, पॉपिंस फॉन्ट साइज 18, ये है मीडियम, ओवर कलर क्या है, ओवर कलर यूज नहीं कर रहा था बट मैं यूज कर लेता हूँ जो एक्टिव कलर यूज कर रहा था उन्होंने, ठीक है। एक्टिव कलर सेम ही है, तो इसको हम पहले सेंटर में करते हैं, मिडल, ये भी मिडल में होगा, अपडेट किया। अब गाइस ये तो हो गया डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, इसको हम पूरा देख सकते हैं। एंड अब हम मोबाइल के लिए करेंगे, तो सिंपल है मोबाइल के लिए, ये हो गया मोबाइल एंड ये टैबलेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको लेफ्ट में लाना है, लोगो ये मेन्यू आइकन है उसको हम राइट में ले जाएंगे, कैसे, तो इसको हम 50% कर सकते हैं, इसको 50% कर सकते हैं, बट यहाँ पर है बीच में थर्ड कॉलम, तो इसके लिए हम इसको पूरा सेक्शन है हेडर का इसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेक्शन क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन हमारा मोबाइल के लिए हाइड होगा, ठीक है, एंड टैबलेट के लिए भी हाइड होगा, एंड सेकेंड होगा ओनली डेस्कटॉप के लिए हाइड, ठीक है। ये वाला डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा एंड ये वाला मोबाइल एंड टैबलेट में नहीं दिखेगा, और यहाँ से हम इसको करते हैं 50%, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम इसे मोबाइल एंड टैबलेट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें तीन कॉलम का यूज नहीं है, इसमें हम छेड़ी नहीं है, ठीक है। एंड ये 50%, और एंड फिर इसको लेआउट में जाएंगे एंड ये, ठीक है, ये राइट में हो गया, एंड ये डेस्कटॉप में भी करना है हमें अभी, फालतू पड़ेंगे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देते हैं पैडिंग 20 लेफ्ट से 12, ठीक है, थोड़ा बराबर करना है, जो राइट एंड लेफ्ट से बराबर हो, टॉप बॉटम 10 पिक्सल देता हूँ मैं, थोड़ा ये अच्छा लगे, तो इसको भी अभी हमें सही करना है, देखिए ड्रॉप डाउन है यहाँ पर,
ठीक है, ड्रॉप डाउन इसमें भी सेम ही हम कलर देंगे, ये कलर ये है, कलर सेम है एंड कस्टम हो गया। स्प्रेडिंग 0, टॉप डिस्टेंस पता नहीं चल रहा कितना है, तो इसको हम बॉर्डर देते हैं पहले, बॉर्डर सॉलिड कलर, कलर हम कोई भी दे सकते हैं फिलहाल, ठीक है। बॉर्डर से पता चल रहा है कि कितना ये नीचे है, तो टॉप डिस्टेंस हम इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं 18, ठीक। अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, अब ये सही हो गया। तो मेन ट्रिगर्स, तो इसका कलर हम देते हैं ब्लैक, साइज ठीक है। तो मोबाइल में गैस हो गया सही, जो टैबलेट में वो आप खुद कर सकते हैं, इसी तरह करना है सेम, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हेडर हमारा बन के रेडी है। अब क्रिएट करते हैं फुटर, फुटर भी सेम ही क्रिएट करना है, हेडर फुटर में जाना है, इसको हम सिंपली रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है, एडिट करके मैं बताता हूँ आपको। तो सेम यहाँ से फुटर सेलेक्ट करना है एंटायर सेट एंड ऑल ऑल यूजर के लिए, ठीक है। सेव पे क्लिक करना है या पब्लिश करना है या क्लिक करना है, जो भी वहाँ पर हटाना होगा। एडिट किया तो फुटर तो सिंपल लगा, इस फुटर में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली कॉपी राइट वाला हमें यहाँ पर ऐड करना है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर लिया मैंने, एक सेक्शन लिया है उसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर लिया, वहाँ पर ही पेस्ट कर दिया, ये अपने अकॉर्डिंग मैंने पेस्ट कर दिया, यानी ये अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया। वॉइस रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली पैडिंग बढ़ानी है, पैडिंग बढ़ानी है आप कर सकते हैं 20, ठीक है, सेम आप टैबलेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो गाइस इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर किसी भी वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर। सो गाइस ये इस सीरीज का फिफ्थ पार्ट है, एंड सो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस वेबसाइट में बैनर बनाएंगे एंड उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट में, ये हमारी वेबसाइट जो हम बना रहे हैं अभी। गाइस हमने ओनली हेडर एंड फुटर क्रिएट किया है, ठीक है, एंड जो होम पेज है, होम पेज यही है, ठीक है, जो हमारा पोर्टफोलियो वाला पेज है। अगर आपने इसका सेकेंड पार्ट देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने इस पेज को होम पेज सेलेक्ट किया था, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डिफॉल्ट टेम्पलेट है यहाँ पे, डिफॉल्ट टेम्पलेट को हमने एलिमेंटर फुल विड्थ में यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। और वैसे ये जो बैनर एंड ये जो नीचे का सेक्शन है उसको मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था, एंड यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट में सेव कर देना, ठीक है। तो हम सीधे उसको इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बना दिया है, ताकि वीडियो में हमें टाइम ना लगे। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, अभी देखिए कुछ नहीं है, जो सेक्शन मैंने बना रखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गए गाइस जो जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैंने इसको बनाया, ठीक है। आप देखते हैं इसको हम अपडेट किया एंड यहाँ रिफ्रेश किया, तो देखिए ये देखिए पूरा आ गया यहाँ पर। और ये गाइस स्टिकी हेडर भी मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, अभी आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टिकी हेडर भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो कैसे हमने क्रिएट किया, फर्स्ट मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, उसमें दो कॉलम लिए मैंने, ठीक है, दो कॉलम 1 2, एंड उस राइट में मैंने इमेज ऐड करी एंड लेफ्ट में ये टेक्स्ट, ठीक है, ये टाइटल है, ये वाला टाइटल, टाइटल एंड दूसरा टाइटल, ठीक है, तीसरा भी टाइटल है, और ये चौथा है टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किए, टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद इनर सेक्शन लिया यहाँ पर एंड इसमें दो कॉलम क्रिएट करें, ठीक है, इसको 35% एंड इसको 65, ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ा गैप सही रहे, जितना गैप हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। दो बटन ऐड करें यहाँ पर, इनको स्टाइल दिया से, स्टाइल गैस मैंने जो रेफरेंस वेबसाइट है ये वाली वहाँ से ले रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्रिएट किया। तो स्टाइल में यहाँ आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली एंड कलर आप दे सकते हैं, ठीक है, एंड इसको भी बटन है
बटन सिंपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये बटन है, और इसको ही मैंने जो भी पैडिंग कलर फॉन्ट साइज वगैरह सब मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। तो ये है बॉर्डर रेडियस एंड पैडिंग एंड कलर्स, बैकग्राउंड कलर, कलर बॉर्डर ओवर कलर्स एंड ओवर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए दोनों में, ये मैंने यूज किया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये फर्स्ट कॉलम है, इसको मैंने वर्टिकल और मिडल करा, और जो ये लास्ट वाला है तो मैंने डिफॉल्ट दे रखा, ठीक है। और इसको हम बॉटम भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ये बॉटम में चाहिए। और लेफ्ट में मैंने 50 पिक्सल यहाँ पर पैडिंग भी दी, 50 पिक्सल बॉटम में पैडिंग ताकि थोड़ा गैप आ जाए। उसके बाद एक सेक्शन लिया मैंने, उसके अंदर एक इनर सेक्शन लिया एंड उसके अंदर ये थ्री कॉलम क्रिएट किए। और ये अभी ये समझ नहीं आ रहा था, ये मैंने इसको थोड़ा ओवरलैप करने के लिए माइनस में मैंने मार्जिन दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। इसमें मैंने ये आइकन बॉक्स ले रखा है, और जो आइकन है वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ आइकन लाइब्रेरी में जो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है आइकन वो ऐड कर सकते हैं। जो इसमें मिल रहे थे उन्हीं को मैंने यूज़ किया यहाँ पर। और जो इनर सेक्शन है इसमें बॉर्डर शैडो ऐड किया यहाँ से, और बॉर्डर रेडियस ऐड किया एंड बॉक्स शैडो, यहाँ ओनली कलर 30 पिक्सल दिया यहाँ पर। यही मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, और इनका जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर दिया, ठीक है। ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना ही है इसमें डेस्कटॉप में। फिर हम आते हैं मोबाइल में। मोबाइल के लिए कैसे मैंने रिस्पॉन्सिव किया इसको, ये इमेज राइट में आ रही है तो मोबाइल ये इमेज बॉटम में जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये इमेज बॉटम में थी तो राइट वाला कॉलम मैंने हिडन कर दिया, रिस्पॉन्सिव में हिडन मोबाइल राइट वाला कॉलम, ठीक है। और इसी कॉलम में मैंने एक इमेज दी, उसको मैंने डेस्कटॉप एंड टैबलेट के लिए हाइड कर दिया, ठीक है। ये ओनली हमें मोबाइल में देखेंगे। तो मोबाइल में 60% मैंने इसको विड्थ दी एंड इसमें 40% विड्थ दी, ठीक है। और जो नीचे वाला कॉलम है वो तो पहले ही बता दें मैंने, वो हाइड कर दिया था मैंने मोबाइल के लिए। इस सेक्शन को जो ये वाला सेक्शन है जो हमें डेस्कटॉप में दिख रहा है, इस सेक्शन को मैंने मोबाइल के लिए हाइड कर दिया। अभी इसको दोबारा से सेटिंग दे देते हैं माइनस में, माइनस, ठीक। ये वाला जो मैंने डेस्कटॉप में क्रिएट किया था वो मैंने डुप्लीकेट करा एंड फिर ये ऐड कर दिया इसके लिए मोबाइल के लिए। एंड यहाँ पर जो डुप्लीकेट हुआ था उसको मैंने मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर दिया। और ये आप टॉप में रख सकते हैं आइकन एंड लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, ये आपको कहाँ रखना है, ठीक है। आइकन बॉक्स यहाँ से आप ये भी रख सकते हैं, फ्रेम्ड भी रख सकते हैं एंड स्टैक भी रख सकते हैं। और यहाँ से आइकन साइज क्रिएट कर सकते हैं, साइज एंड पैडिंग, कंटेंट को कलर वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने डेस्कटॉप के लिए एंड टैबलेट के लिए हाइड कर दिया ताकि ये हमें डेस्कटॉप एंड टैबलेट में ना दिखें। टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टैबलेट में आप आसानी से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये है हमारी वेबसाइट, दो सेक्शन बन गए हमारी, ये एंड बैनर। तो अब इसको हम देखते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसा है, ठीक है गाइस। तो ये है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो ये है गाइस, इस टाइप से आप इसमें बैनर एंड ये वाला सेक्शन एडिट कर सकते हैं वेबसाइट का। बैनर बनाया था इसमें, इस वेबसाइट में, एंड ये स्लाइडर हमें बनाना था, ये मैंने पहले ही बना के रख दिया है। इसको मैं बताऊंगा कि मैंने ये कैसे बनाया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइस आपको, सिंपल है। सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है इसके लिए, ये प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। इससे गाइस दो काम होंगे हमारे, एक तो ये सर्विस स्लाइडर हमारा बन जाएगा एंड एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर, इसी से हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्लाइडर हम बनाएंगे। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद इस पेज को एडिट एलिमेंटर में ओपन करना है, एंड उसके बाद इस कॉलम में मैंने क्राउजर लिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्राउजर सर्च करोगे तो क्राउजर यहाँ पे आपको मिलेगा, क्राउजर विद कवर फ्लो, इसको ही आपको यहाँ लेना है। तो इसमें आपको स्लाइड ऐड करनी है। तो इमेज में मैंने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ये पूरी स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज आ रही है। तो एंड ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया यहाँ, एंड इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग जो हमें सर्विसेज दिखानी है। कितने भी यहाँ पर आप स्लाइड ऐड कर सकते हो। एडिशनल ऑप्शन में मैं गया, ऑटो प्ले भी कर सकते हैं एंड एरो एंड डॉट या ओनली एरो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अगर इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको CSS यूज़ करनी होगी, इसमें आप बटन एंड लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बटन एंड यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो, जो भी आपको लिंक चाहिए। तो मुझे बटन नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो हर स्लाइड में ऑप्शन है बटन का, ये है, ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से आप थोड़ा बहुत स्टाइल, आप फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नेविगेशन स्टाइल वगैरह यहाँ से आप दे सकते हैं। जो हमारा पूरा डिज़ाइन बनेगा, अभी देखिए इसका डिज़ाइन कैसा है। एंड जो CSS की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने पहले से CSS यहाँ पर अलग से ऐड करके रखी है। एंड इसको मैं यहाँ ऐड करके बताता हूँ, अब आप डिज़ाइन देखना। तो ये है गाइस हमारा डिज़ाइन। तो ये हमारा ट्राउज़र रेडी है सर्विसेज के लिए। तो इस तरीके से आप इस स्लाइडर को आराम से बना सकते हैं। तो रिस्पॉन्स ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओनली आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और एंड पैडिंग यहाँ आपको इसको अपने अकॉर्डिंग देनी है। डेस्कटॉप के लिए दी थी पैडिंग 100, बट आपको यहाँ पर 20 या 15 पिक्सल आपको देनी है, ताकि मोबाइल में सही दिखे। यहाँ इमेज नहीं आ रही है, इमेज मैंने गाइस CSS से ऐड करी है। इमेज हो, बैकग्राउंड कलर हो, सब मैंने CSS से ऐड करा है यहाँ पर। जैसे कि गाइस मैंने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये पेड थीम है, ठीक है, पेड थीम में ये बनी है, बट हम इसको फ्री में बना रहे हैं। अब ये वाला सेक्शन बनाएंगे, तो इस सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, तो ये गाइस पहले ही क्रिएट कर रखा है मैंने, ताकि टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया मैंने। तो गाइस ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक सेक्शन, ठीक है, इसको फुल वेट किया एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक इनर सेक्शन लिया। ये टाइटल एंड जो भी ये हेडिंग है, यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट करके इनका नाम चेंज कर दिया। इनर रोक में यहाँ पर मैंने दिया प्रोग्रेस बार, आपको यहाँ मिल जाएगा एलिमेंटर में। तो प्रोग्रेस बार कौन सा लेने गए, प्रोग्रेस बार ये एड ऑन वाला। आपने अगर फर्स्ट वीडियो हमारी देखी है, तो उसमें हमने इजेंशियल एड ऑन्स प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, उसमें ये प्रोग्रेस बार है। तो ये सेम है, यहाँ पे लाइन हमने लिया एंड ये टाइटल है। HTML टैग क्या देना चाहते हैं, div या s2 s3 कुछ भी। काउंटर वैल्यू स्टेटिक डायनेमिक नहीं चाहिए, स्टेटिक चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर काउंट आप शो भी करा सकते हो एंड हाइड भी करा सकते हो, एनिमेशन भी दे सकते हो। तो यहाँ से एनिमेशन ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए आपको यहाँ पर सिंपल जाना है स्टाइल में एंड यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको चाहिए फिल वाला कलर, आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने ऑरेंज दिया है यहाँ पर। टाइपोग्राफी आपको यहाँ से चेंज करनी है। टाइटल के लिए फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज वगैरह आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कलर एंड इनर टाइटल वगैरह। काउंटर के लिए ये है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। एक के लिए मैंने बनाया, फिर 8 times मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया इनका सभी का, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। एंड इसको जैसे कि आपको पता है बैकग्राउंड दिख रहा है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपको इसमें देना है, ठीक है, स्टाइल में जाकर बैकग्राउंड कलर। एंड पैडिंग भी दे रखी है मैंने, जैसे रिफ्रेश करोगे तुम्हारे पास डिज़ाइन रेडी है। तो गाइस ये है हमारा डिज़ाइन एंड यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये पेड थीम का डिज़ाइन है, ठीक है। तो आज हम क्रिएट करेंगे पोर्टफोलियो सेक्शन। तो ये है पेड थीम जहाँ से हम डिज़ाइन देख के हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का डिज़ाइन हम अपनी फ्री साइट में हम बनाएंगे। पोर्टफोलियो सेक्शन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एंड बताते हैं आपको कि हमने इसको कैसे क्रिएट किया। तो गाइस अगर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने देखा ही होगा कि हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, एसेंशियल एडऑन्स फॉर एलिमेंटर। तो ये अपडेट आ गया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो कैसे हमने इसको क्रिएट किया, एक सेक्शन लिया सिंपल सेक्शन एंड उसमें हमने एक एलिमेंट लिया, एसेंशियल एडऑन एलिमेंट है ट्रेवल गैलरी। एसेंशियल एडऑन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ ये मिल जाएगी, ठीक है, इसको यहाँ ड्रैग करना है बस, ठीक है। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये इस टाइप का आप ये दिखेगा। तो इसमें क्या क्या गाइस देखिए, ये जो लिंक है वो भी लगा सकते हैं। इसको डिलीट किया एंड इसमें गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर है। तो आइटम कितनी चाहिए आपके, इतनी शो करानी यहाँ पर, मैं 6 मैंने रखी है, तो 6 ही शो हो रही है मुझे। एनिमेशन ड्यूरेशन है, तो ये एनिमेशन है गाइस। तो कॉलम मुझे 3 चाहिए। ग्रिड स्टाइल क्या चाहिए आपको, अगर ग्रिड चाहिए तो ये सिंपल ग्रिड हो गया। ये वाला चाहिए ग्रिड स्टाइल, तो इसको भी रख सकते हैं। ओवरले आपको चाहिए, कार्ड क्या क्या चाहिए, सर्च फिल्टर आप यहाँ पर रख सकते हैं।
ये देखिए ओवरले मैं रखता हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं फिल्टर कैसे क्रिएट करना है, कंट्रोल से हमारी गैलरी चेंज कैसे हो रही है, कैसे ये फिल्टर होके आ रहे हैं। कंट्रोल में क्या क्या कंट्रोल है मेरे पास, वेब डिज़ाइन है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एसईओ एंड गैलरी आइटम्स। गैलरी आइटम्स ये है मेरे पास। आइटम नेम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो हमारे यहाँ पर शो हो जाता, हम दे सकते हैं बट दिया नहीं है। असाइन कैसे करना है इमेजेस या कोई भी प्रोजेक्ट असाइन कैसे करना है, ठीक है। जैसे एसईओ के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, एसईओ के प्रोजेक्ट मेरे पास चार हैं तो चार कैसे आए, एंड वेब डिज़ाइन के प्रोजेक्ट मेरे पास तीन है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल नेम जो भी फिल्टरेबल कंट्रोल्स का नाम होगा, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया एंड इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एक कंट्रोल हो गया, वेब डिज़ाइन में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें ये दिख जाएगा, ठीक है, ये इमेज इसी में है। अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो वेब डिज़ाइन में आएगा, ठीक है। इसको गाइस मल्टीपल ऑफ कंट्रोल का नाम दे सकते हैं कॉमा देके, ठीक। ग्राफिक डिज़ाइन भी मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी ये प्रोजेक्ट आ गया। एंड अब सेकेंड दिखाते हैं, सेकेंड मैंने वेब डिज़ाइन एंड एसईओ कर रखा है। तो वेब डिज़ाइन में अगर जाऊँगा तो ये प्रोजेक्ट आ गया, एंड अगर एसईओ में जाऊँगा तो सेम प्रोजेक्ट उसमें भी है। तो इस टाइप से आप थ्री भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइन दूंगा यहाँ पर तो एक और यहाँ पर ऐड हो जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन में। आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये ग्राफिक डिज़ाइन है, कॉपी किया एंड कॉमा देके कॉमा एंड पेस्ट, तो ग्राफिक डिज़ाइन में ये भी आ जाएगा। तो ग्राफिक डिज़ाइन में गया, ये आ गया फोर्थ नंबर। अगर मैं हटा दूँ तो ये हट जाएगा, अब हट जाएगा तो ये हट गया। इस तरीके से आप हर प्रोजेक्ट को किसी भी फिल्टर में असाइन कर सकते हो। तो ये कंट्रोल्स हैं, ये गैलरी आइटम्स हैं, जो ये फिल्टरेबल गैलरी है उसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन भी है इसमें। तो वीडियो गैलरी अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो का ऑप्शन है, तो ये वीडियो आपकी बन गई। तो ये वीडियो लिंक आपने ऐड करना है एंड यहाँ जो इमेज है वो बैकग्राउंड इमेज पर काम करेगी, कवर इमेज जिसको बोलते हैं वो उसका काम, एंड ये आइकन आ गया तो इसको हम प्ले कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो इस टाइप से आप वीडियो गैलरी भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बस हो गया हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी है। तो ये है हमारी फिल्टरेबल गैलरी। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे टेस्टिमोनियल सेक्शन, जो इस टाइप का होगा कि आप, तो इस टाइप का टेस्टिमोनियल सेक्शन हम आज की इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट में, हम इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। तो गाइस मैंने यहाँ पर पहले से ही एक सेक्शन यहाँ पर सेव करके रखा है, ठीक है। तो टेम्पलेट में जाऊँगा मैं, तो यहाँ से इसको इंसर्ट कर लूँगा टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है, ये है गाइस टेस्टिमोनियल सेक्शन, अभी ये सिंपल है। अब मैं आपको डिज़ाइन बताऊँगा कि कैसे इसको क्रिएट किया। जैसा कि गाइस प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये टेस्टिमोनियल स्लाइडर है एंड जो सर्विस स्लाइडर हमने यूज़ करा है यहाँ पर, वो हम एक ही प्लगइन से क्रिएट करेंगे। एक ही प्लगइन यूज़ किया है एंड उसी से हमें एक एलिमेंट मिल जाता है यहाँ पर इसके लिए, टेस्टिमोनियल के लिए, टेस्टिमोनियल क्राउजल विद लोगो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सर्च करना है टेस्टिमोनियल क्राउजल विद लोगो, टेस्टिमोनियल ओनली सर्च कीजिए एंड यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल क्राउजल विद लोगो मिल जाएगा। आपको इसको ऐड करना है, आप जैसे ही आप ऐड करोगे तो इस टाइप का आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिखेगा, ये बाय डिफॉल्ट इसका डिज़ाइन है। एंड यहाँ पर आप इसको स्लाइड टू शो वन कर सकते हो एंड स्लाइड टू स्क्रॉल वन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको स्टाइल दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं फिलहाल, इसमें आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये वाली इमेज आएगी, क्लाइंट की इमेज आएगी एंड यहाँ पर नेम आएगा, बट नेम हमें यहाँ ऐड नहीं करना है। एंड यहाँ पर जो लोगो है, तो अपनी वेबसाइट का लोगो यूज़ कर सकते हो या आइकन यूज़ कर सकते हो, तो ये राइट में आ रहा है। एंड जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है हमने यहीं यूज़ कर दिया, जो कंटेंट है उसी में मैंने ये जो क्लाइंट का नाम है एंड क्लाइंट डेजिग्नेशन है वो हमने यहीं पे ऐड कर दिया। हेडिंग मैंने यहाँ पर H2 ली, फिर टेक्स्ट लिया, फिर यहाँ पर H3 एंड टेक्स्ट, इसलिए ये इतना हमारा रेडी हो गया। एंड यहाँ पर आप इनको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड यहाँ से ऑप्शन है ऑटो प्ले करा सकते हो आप, ऑटो प्ले स्पीड एंड यहाँ पे एरो या डॉट्स आप यूज़ कर सकते हैं, सेम ही है उसकी तरह, ठीक है। सेव किया, इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर CSS यूज़ करनी है, ठीक है। CSS यूज करने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर ऐड करके रखी है, तो उसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ।
तो ये CSS है यहाँ पर, तो रिस्पॉन्सिव के लिए भी ऐड कर रखी है मैंने। तो पहले मैं ओनली डेस्कटॉप वाली यहाँ पर ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको कस्टमाइजर में एडिशनल CSS में यहाँ पर ये ऐड करनी है। तो ये ऐड कर दिया, अब देखिए इसका डिज़ाइन कैसा होता है। अभी तो डिज़ाइन ये है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए गाइस बन गया सेम डिज़ाइन। जैसे CSS ऐड करी उसके बाद रिफ्रेश किया मैंने तो ये सेम डिज़ाइन हमारा बन गया। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये मोबाइल में ऐसा आ रहा है। अब देखिए मैं जैसे रिस्पॉन्सिव CSS यहाँ से टेस्टिमोनियल के लिए जो मैंने ऐड कर रखी है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ से अगर, तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। अब देखिए हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आप मोबाइल के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन यूज़ किया है। जो हेडिंग एंड टेक्स्ट है उसको आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए टेस्टिमोनियल स्लाइडर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन क्रिएट करेंगे जो इस टाइप का होगा। जैसे कि मैंने ये सभी सेक्शन पहले से बना रखे हैं, तो यहाँ मैं इसको इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये होम पेज है एंड इसी को मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। एंड इस टाइप का डिज़ाइन बनाने के लिए गाइस आपको पहले कुछ पोस्ट ऐड करनी होगी अपनी वेबसाइट में। यहाँ पोस्ट में जाकर पहले आपको कुछ पोस्ट ऐड करनी होगी, 3 या 4 पोस्ट आपकी होनी चाहिए। यहाँ ये यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ये है गाइस हमारा डिज़ाइन, तो इंसर्ट हो गया गाइस। तो इसको क्रिएट करने के लिए पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, पोस्ट ग्रिड एलिमेंटर एडॉन को आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसमें जाना है एलिमेंटर में, एंड अगर आप पहले से इस पेज में हैं तो उसको रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है पोस्ट, तो पोस्ट जैसे आप सर्च करोगे तो ये आ गया पोस्ट ग्रिड, इसको आपको यहाँ ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पर इस टाइप का डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट डिज़ाइन है इसका इस टाइप का आएगा। एंड ये जो लेआउट है ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कि लेआउट आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा के जो मैंने बनाया उसमें आपको बताता हूँ। तो सेकंड लेआउट मैंने यूज़ किया, यहाँ पर 3 कॉलम मेरे को चाहिए, पोस्ट पर पेज मेरे को 3 चाहिए। इमेज है, इमेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो ये आप पे डिपेंड है। इमेज साइज है फुल विड्थ, टाइटल हाइट शो कर सकते हो, और हमें यहाँ एग्जर्प्ट नहीं दिखाना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, रीड मोर यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अलाइनमेंट आप सेंटर कर सकते हैं, क्वेरी में आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड एडवांस में ऑर्डर बाय कुछ भी आप टाइटल एंड रैंडम आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग आप चूज कर सकते हैं। एंड कैटेगरी में आप जाओगे तो किसी भी कैटेगरी की पोस्ट आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं जो आपको मेटा में चाहिए। मेरे को डेट एंड कैटेगरी चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर ये दोनों ऐड कर दिए। आपको अगर ऑथर चाहिए कमेंट से तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिख जाएगा, ये आ गया डिज़ाइन। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा CSS यूज़ करनी है यहाँ पर, कैटेगरी एंड डेट साथ में आ रही है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको हमें ऐसा चाहिए तो उसके लिए आपको CSS ऐड करनी है। तो गाइस ये CSS मैंने पहले से ऐड करके रखी है यहाँ पर, तो उसके लिए CSS हम एडिशनल CSS में यहाँ पर ऐड करेंगे। तो रिफ्रेश करेंगे जैसे ही तो देख सकते हैं आप हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। एंड गाइस स्टाइल के लिए आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, टाइपोग्राफी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंड मेटा की टाइपोग्राफी यहाँ से एंड कंटेंट की यहाँ से, इमेज कुछ चेंज करना इमेज में तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बॉक्स जो ये पूरा बॉक्स को आप बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। एंड लेआउट में यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन जो कॉलम मार्जिन है रो मार्जिन है वो दे सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ब्लॉग सेक्शन को आप अपनी वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन जो इस टाइप का होगा, एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे WP फॉर्म प्लगइन। ये है इंस्टॉल प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, एंड जो फॉर्म है मैंने क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमको चेंज करना है यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं हेडिंग, एंड यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया एंड उसको चेंज कर दिया, जो भी हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहिए। एंड जो ये है सोशल मीडिया आइकन्स है, तो सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। सोशल जैसे आप सोशल लिखोगे यहाँ पर तो सोशल आइकन यहाँ पर ये आ जाएंगे, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इमेज वगैरह, एंड यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। ऑफिशियल कलर ये हैं,
एंड कस्टम कलर ये है। साइज वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। पैडिंग, स्पेसिंग, रो गैप, बॉर्डर एडजस्ट एंड आइकन होवर क्या होगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो फॉर्म इसमें डब्ल्यू पी फॉर्म में बहुत ही सिंपल है। डब्ल्यू पी फॉर्म में जाना है एंड ऐड न्यू फॉर्म। इसमें सिंपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए एक टेम्पलेट मिल जाता है अगर आपको सिंपल फॉर्म चाहिए। एंड उसके बाद गाइस जैसे आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको फॉर्म का नाम लिखना है, इंटर योर फॉर्म नेम हियर। आप ब्लैंक फॉर्म चूज कर सकते हैं एंड ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चूज कर सकते हैं। तो यूज टेम्पलेट करना है जिसको भी आपको चूज करना है। हमको इसमें फर्स्ट लास्ट नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। एंड लेआउट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एडवांस में जाके ये लार्ज, इसमें क्लिक करना है, एडवांस में जाना है एंड इसको लार्ज, ये एडवांस एंड इसको भी लार्ज। लिमिट लेंथ कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल फॉर्म क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। एंड आपको जैसे नेम है तो नेम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट फील्ड हम यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट। एंड रिक्वायर रखना नहीं रखना ये आप पे डिपेंड है। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज, तो ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो मैंने पहले क्रिएट किया था, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया, ये डब्ल्यू पी फॉर्म, यहाँ आपको सर्च करना है डब्ल्यू पी फॉर्म। तो ये हमने एसेंशियल एडऑन्स फॉर एलिमेंटर ये हमने इंस्टॉल किया था, उसी में ये एलिमेंट हमें मिल जाता है डब्ल्यू पी फॉर्म को एडिट करने के लिए। यही मैंने यहाँ ऐड किया, उसमें फॉर्म सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका फॉर्म है। अभी ये क्यों नहीं आ रहा, अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया है। तो रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब देख इसमें फॉर्म में क्लिक किया एंड यहाँ पर फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म। फॉर्म भी सिलेक्ट किया फिर भी सेम ही आ रहा है। अभी मैं इसको चेंज करूँ एंड इसको चेंज करूँ फिर भी सेम है। अपडेट करते हैं। अगर आपको लेबल्स नहीं दिखाने तो यहाँ पर इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे आप स्टाइलिंग में जाओगे तो फॉर्म का कंटेनर है, जो फॉर्म का ये पूरा कंटेनर है उसको आप अलाइनमेंट दे सकते हैं और बैकग्राउंड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म मार्जिन है, फॉर्म पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस आप यहाँ से दे सकते हैं, बॉर्डर टाइप क्या होना चाहिए, बॉक्स शैडो दे सकते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन है, लेबल्स हैं, इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया है, फील्ड डिस्क्रिप्शन है, रेडियो एंड चेकबॉक्स सबमिट बटन के लिए है ऑप्शन, सब कुछ आप यहाँ से वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप इस वेबसाइट में यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा फॉर्म सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बस हमारी वेबसाइट यहाँ पर कंप्लीट रेडी हो गई है। अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है, थोड़ा बहुत काम क्या रह गया है, एक तो स्टिकी हेडर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर स्टिकी हेडर मैंने कैसे क्रिएट किया, ठीक है। ये जो क्लिक करने पे स्क्रॉल हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे वर्क्स में क्लिक किया तो पोर्टफोलियो सेक्शन पे स्क्रॉल हो गया, ब्लॉग में क्लिक किया तो ब्लॉग सेक्शन पे ये स्क्रॉल हो गया, अब कॉन्टैक्ट में करूँगा तो कॉन्टैक्ट पे स्क्रॉल हो जाएगा। ये वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं जो आपको मैं बताना भूल गया था। जैसे गाइस ये स्टिकी हेडर है, सेकंड गाइस ये हर सेक्शन पे कैसे स्क्रॉल हो रहा है, एंड जो तीसरी चीज़ है गाइस फेड इन इफेक्ट, जो अभी आप देखोगे फेड इन कैसे हो रही है, ये देखिए फेड इन हो रहा है। तो ये एलिमेंटर में ऑप्शन होता है फेड इन का। स्टिकी हेडर के लिए आपको JS एंड CSS यूज़ करनी है। तो JS में मैंने यहाँ पर एक सेक्शन ले रखा है, सेक्शन में मैंने HTML एडिटर लिया, उसमें मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दी, ये वाली स्क्रिप्ट। तो जो हमारा हेडर है ठीक, उसको मैंने ID दी ये वाली, ये कॉपी करी एंड जो स्क्रिप्ट है स्टिकी हेडर के लिए उसको ID मैंने यहाँ असाइन कर दी। आपको यहाँ पर सेम ही करना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ठीक है, वहाँ पर स्टिकी क्लास ऐड हो जाएगी एंड जैसे ही हम फिर टॉप में आ जाएंगे तो स्टिकी क्लास रिमूव हो जाएगी। जब क्लास स्टिकी है तब हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और उसमें कुछ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बॉक्स ऐड हो गया, उसके लिए मैंने CSS यूज़ करी है। तो जब हमारे स्टिकी क्लास ऐड होगी उसके बाद ये CSS यहाँ पर अप्लाई होगी। अब मैं इसको यहाँ पर हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये तो CSS से हाइड होगा, JS वहाँ पर ऑटोमेटिक वर्क करेगी क्योंकि ये जो गैप आ रहा है यहाँ पर वो नहीं दिखेगा हमें। अब सेकंड चीज़ क्या है, ये जो स्क्रॉल हो रहा है, जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट पे स्क्रॉल हो रहा है, भाई कैसे हो रहा है। तो भाई इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर में ओपन करना है एंड जिस जिस सेक्शन पर आपको स्क्रॉल कराना है उस सेक्शन को ID देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेक्शन को होम दिया एंड फिर इस सेक्शन को मैंने यहाँ पर सर्विसेज दी
एंड इस सेक्शन को दिया टेस्टिमोनियल, फिर ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ठीक है, मेन्यू में जाना है। फिर मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको URL में आपको हेड एंड उस सेक्शन की ID देनी है जिसमें आपको स्क्रॉल कराना है। जैसे सेक्शन की ID होम है तो मैंने यहाँ पर हैड्स होम ऐड कर दिया। इसी तरह से आप हर सेक्शन के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप हर सेक्शन को फेड इन एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी सेक्शन में जाओगे उसके बाद यहाँ से आप ये मोशन इफेक्ट से फेड इन एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन स्लो, नॉर्मल, फास्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर सेक्शन में ये ऑप्शन मिल जाता है आपको मोशन इफेक्ट का। तो हर सेक्शन में मैंने फेड इन इफेक्ट यूज़ कर रखा है। तो इस टाइप से आप फेड इन एनिमेशन अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट रेडी है। तो गाइस इस तरीके से आप एक कंप्लीट पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको इस वेबसाइट का टेम्पलेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको स्टिक हेडर के लिए कोड चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्नटू स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो बस मिलते हैं किसी न्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए।